हेलो, वेलकम बैक टू EXP इन्वेस्ट मार्केट आउटलुक सीरीज एपिसोड 10। मैं हूं कविता और मैं आपके लिए लाती हूं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट। तो चलिए बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ, देखते हैं इस हफ्ते क्या हुआ और आने वाले हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये है 3 मिनट का निफ्टी का चार्ट। इसमें पूरे हफ्ते की प्राइस एक्शन क्लियरली दिख रही है। यहाँ पर वेडनेसडे को बजट आया था, इसलिए वोलेटिलिटी बहुत तेज हफ्ते। आप देखोगे 17,400 जिस सपोर्ट का हम पिछले 3-4 हफ्तों से बात कर रहे हैं, वो सपोर्ट इस हफ्ते 2 बार काम में आया था, बजट वाले दिन और एक हफ्ते के स्टार्टिंग में। और दोनों बार निफ्टी ने बहुत अच्छी बाउंस बैक दी है इस सपोर्ट लेवल से। बजट वाले दिन तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल 18,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी रीटेस्ट किया गया था। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस हफ्ते के प्राइस एक्शन में कि बजट के बाद इवन तो सेकेंड हाफ में बहुत ज़ोर से एक नीचे डाउनसाइड मूवमेंट आया, बट क्योंकि 17,400 से निफ्टी ने सपोर्ट लेकर ऊपर जाना स्टार्ट किया एंड फ्राइडे को काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी, दिस इंडिकेट्स कि बजट का रिस्पांस अल्टीमेटली पॉजिटिव था मार्केट का। ये है अब 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया था, उसके बाद एक काफ़ी ज़ोर की रैली आई थी। ये बेसिकली अपना वेडनेसडे का मूवमेंट था, जहाँ पे मंडे टू वेडनेसडे का मूवमेंट था, जहाँ 18,000 का पीक टच किया गया था। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि 18,000 से नीचे जाके प्राइस ने एक नया लो बनाया। बट अब देखोगे तो RSI वापस 50 के नीचे नहीं आया, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। इसका मतलब कि डबल पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। एंड थर्सडे एंड फ्राइडे को उसके बाद आप देख ही सकते हैं बड़ी वाली रैली आई निफ्टी में। अब हम 75 मिनट चार्ट पर आ गए हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो जब से निफ्टी नीचे गिरना शुरू हुआ यानी 1 दिसंबर से, निफ्टी ने 2 अच्छे खासे पीक्स फॉर्म किए हैं। एक तो यहाँ पर 23 दिसंबर को जब 75 मिनट का चार्ट RSI 30 को टच किया, तो ये हम कह सकते हैं अगर आप अवेयर हैं एलियट वेव के ABC फॉर्मेशन का, तो दिस वॉज पॉइंट ए, यानी कि फर्स्ट लेग ऑफ द करेक्शन। उसके बाद ये वाला जो बीच का कंसोलिडेशन है, दिस इज पॉइंट बी, इसका पीक विच इज़ 18,200, और अब ये 17,400 पे पॉइंट सी फॉर्म किया है इसने। तो ये 3 वेव इम्पल्स करेक्शन वेव फिनिश हो गया है। यहाँ से अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 17,400 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और निफ्टी जब तक 18,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक श्योरली नहीं बोल सकते कि अप ट्रेंड वापस आ रही है। तो ये 17,400 से 18,200 के बीच निफ्टी हो सकता है कंसोलिडेट करे। बट अगर मेरी स्टडी करेक्ट है और अगर ये वाकई ही पॉइंट सी है, यानी अगर ये थर्ड वेव है, तो यानी कि करेक्शन ख़त्म, और उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवर नहीं करना चाहिए निफ्टी को। निफ्टी को अच्छी खासी रैली देनी चाहिए जो कि 18,200 के ऊपर लेकर जाएगा मार्केट को। अब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो RSI डेली चार्ट पर 40 का लेवल टच करके ऊपर की तरफ बढ़ गया है। दूसरी बात, वॉल्यूम कितना ज़बरदस्त है निफ्टी में पिछले 5 दिन से, इसे क्लियरली अक्यूमुलेशन कहा जा सकता है। ओके, दूसरा, यहाँ पे 200-डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है निफ्टी को। फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत तेज़ रही है, उसने पूरे हफ्ते के ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर अपने को क्लोज दिया है निफ्टी ने, विच इज़ अनदर वेरी गुड इंडिकेशन। अब लाइक आई सेड, 18,200 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर कंसोलिडेट करके निफ्टी फेल हुआ था इस लेवल को ऊपर जाने में, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन देकर निफ्टी फेल हुआ था ऊपर जाने को, इसलिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी उसने रेजिस्टेंस लिया था इस लेवल पे, फिर यहाँ पर भी ऊपर जाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी निफ्टी को। यहाँ ऊपर जाने के बाद वापस से इसने सपोर्ट लिया इस लेवल के आसपास, और यहाँ पर नीचे जब आया था तो भी निफ्टी ने वापस से रीटेस्ट किया था ऊपर जाने के लिए, राइट। सो 18,200 इज़ क्लियरली वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, और हम वेट करेंगे देखने के लिए कि निफ्टी ऊपर जा रहा है या नहीं। ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस आपके लिए, आई होप आपको पसंद आया। अब हम पार्ट 2 में इंटरसेक्टर चार्ट एनालिसिस करेंगे, और पार्ट 3 में एक सेक्टर ऐसा एनालाइज करेंगे जिसमें आगे जाके काफ़ी अच्छी पोटेंशियल दिखाई दे रही है। तो चलिए पार्ट 2 और पार्ट 3 में मिलते हैं।